नहीं, चरण धोता है जिसका हिमालय और गंगा। यहाँ कौन कवाली का टुकड़ा बा, कौन कवाली है मास्टर? धनंजय भैया, ये लाइन अगर आपको अच्छा लगेगा तो मुझे इशारा करिए। कैसे नहीं पूछे लाल जी, सिर्फ आप। अरे जब उसे अरे पहले सुना ना, पहले अरे जब उसे झवनी आ चढ़ी है, अरे ये बाबू जी, जब मेरा देश गुलाम था उस
उसी समय लंदन के रहने वाला अंग्रेज, जिस अंग्रेज का नाम बताया गया जनरल डायर और लॉर्ड किनरी अंग्रेज, आके हिंदुस्तान के धरती पर इतना जुर्म इतना अत्याचार अंग्रेज करने लगे बाबू कि जर्रे जर्रे से आवाज आने लगी कि हम गुलाम हैं। हिंदुस्तान के बहन बेटी के इज्जत के साथ वो पापी अंग्रेज खेलने लगा। अंग्रेज के जुर्म चरम सीमा पर चढ़ गई बाबू। उस सिलसिले में हिंदुस्तान के हजारों लोग अमृतसर जलियांवाले बाग में एक मीटिंग एक सभा रखे। जनरल डायर अंग्रेज के पता चल गया कि मुझे मारने के लिए हिंदुस्तान के लोग और अंग्रेजों के खिलाफ आवाज उठाने के लिए हिंदुस्तान के लोग जलियांवाले बाग में मीटिंग और सभा रखे हैं। जनरल डायर अंग्रेज आलम करवा दिया, जाकर जलिया वाले बाग में घेर लो। जलिया वाले बाग में इतना गोली चलवाओ कि एक भी हिंदुस्तानी बचे ना पावे। प्रमाण मिलता है बाबूजी कि 1600 चक्र गोलिया से हमारे हिंदुस्तान के हजारों लोग मारल गए। जलिया वाले बाग में पिताजी के साथ में उधम सिंह भी गई हो, लाश गिरे लगे। आए हाय, उधम सिंह के पिता के सीने में गोली लगल है। वातावरण जब शांत हुआ है बाबूजी, उधम सिंह जब देखले हुन हजारों हिंदुस्तानियन के लाश खून खौलने लगा और बाबू उधम सिंह आगाज कर दिया। जब जनरल डायर अंग्रेज के मारा ना, जान की रोटी हम नहीं खाएंगे। जनरल डायर अंग्रेज के पता चल गया कि मुझे मारने के लिए कोई पट्ठा पंजाबी ऐलान किया है। बदली जगह के अंग्रेज लंदन में भागा रहा। तब बाबू उधम सिंह एक बात के नौजवान आगे बतौलस कि भैया जेके तुम्हारे बदे चैलेंज मिले हुआ वो अंग्रेजवा तो लंदन में चल गई। तब बाबू उधम सिंह कहलन का ग्रह में चलगी बाबा सर। बड़ा मचल के कहत रहने कैसे लंदन में गई। क्रिकेस्टर हाल में जनरल डायर अंग्रेज की मीटिंग सभा चल रही थी। क्रिकेस्टर हाल में जनरल अंग्रेज के सीने में गोली मारते हैं। आए हैं बाबूजी, जनरल डायर के जब गोली लगल हा वही मंच फकीर के नाचा था, वही एक धोखा हो गया। धोखा भर का बाबू उधम सिंह के पकड़ के अंग्रेज और वही लंदन के धरती पर पेंडराबेला जेल में ले जाके फांसी दे दिए। इनकी बात पेपर में छप गई। ये बतिया सुनक के हैं, पेपर के बाद पढ़ रस उधम सिंह के दोस्त दिलबाग सिंह बचपन के दोस्त एक संगे रहा एक दाल के रोटी खा। सुबेर के मेला माया बाबू दिलबाग सिंह हाथ में पेपर लेके पढ़ा थून उधम सिंह के
मौत की खबर जब बाबू दिलबाग सिंह सुन ले हुआ, हाथ से पेपर छूट गया, गंगन गंगन कापत हुआ, रुबत हुआ। एक बहन बिया, बहन के नाम पर बिमला, बिमला पूछा छिया लिए भैया काहे रुबत हुआ वो बाबू का भाई। तब दिलबाग सिंह रो के अपने पहिया बिमला से कहले का हूं ब्राह्मण निकले गीता मास्टर में बाबू माई छोड़ के मर गिरा। एक बहन बा, बहन के नाम बा बिमला, और ये बिमला बहनिया के शादी के दिन रखले हुन दिलबाग सिंह कहते हैं खेरे बिमला वो हमार दोस्त ना, हमार भाई रहलन, हमार जान, हमार जिंदगी सब कुछ रहलन, आज हमारे भैया के अंग्रेज मार देलन, लेकिन ये दिलबाग सिंह मत परेशान नहीं रहे तो तुम देखो कि ना दिलबाग सिंह ऐलान कर दिए कि जब लाद के दरी अंग्रेज के मारो जान की रोटी हम नहीं खाएंगे। लाद के नरी अंग्रेज कौन था? जो जनरल डायर अंग्रेज के साथ में आया था बाबूजी। लाड केनरी अंग्रेज के मारने के लिए दिलबाग सिंह को ऐलान कर दिए, लेकिन लाड केनरी अंग्रेज भी चुप नहीं बैठा, ऐलान करवा दिया जो दिलबाग सिंह से पकड़वाएगा मुंह मांगा इनाम दिया जाएगा। अंग्रेजों का शासक था, चपचपा चपचपा अंग्रेज घेर लिए, चारों तरफ नाकाबंदी करवा दिए, लेकिन भैया के सर पर बहुत बढ़िया एक बोझा रहा। बोझा के तो रहा बिमला बहनिया के, मरा समय माई से वचन दे रहा कि हमार बहन हमार बेटी ही है, अपने बहन के अपने हाथ से कन्या दान करके दुल्ही बना के बोली में बैठाई। ए बाबू बहनिया बिमला के बुला के कहत हो कि बिमला तीन दिन बाद दुआरी पर बरात आवे वाली बा, अगर अंग्रेज हमें पकड़ लिए हमें तो मार दिया, लेकिन हमारे माई के सपना भी पूरा ना होके दिया। रोई है मत रे बिमला, हम जात बनी छुप छुपा के क्रांतिकारी नौजवानों के खेमा में आके जवानों से बातचीत करते हुए तब तक उसी जवानों के बीच में से एक जवान निकल पड़ा, वो हिंदुस्तान के गद्दार था बाबू, 6 रुपया पर अपना ईमान बेच दिया था, अंग्रेजों के हाथ में दिलबाग सिंह के पकड़वा दिया, जेल में बंद करके पपिया अंग्रेजवा मारत हुन, लेकिन मड़वा में बहनिया अपने भैया के राह देखत किया कि वही तक ना आइलन, आखिर गइलन त कहां गइलन, बिमला बहनिया कहलस का हाथ मास्टर हरा दिया हो
एहर मरवा में बहनिया रोहत पिया तड़पत पिया दिन बीत गई शाम के बेला दरवाजे पया के बरात लग गई। अजब दरवाजे पया के बरात लगल हो बाबू तना बरात के कोनो व्यवस्था ना कोनो इंतजाम ना कहीं उठारे बिठावे के कोनो व्यवस्था बनाब रहा। लेकिन पूरे गांव के लोग जुट के यह गाला ना कि अरे भैया एक गांव के बेटी के इज्जत के सवाल बा, बाप मतारी ना वन टूअर या एक भाई रहे पता ना वो जिया था कि मर गई नहीं। चला गांव के बेटी भी हमने के मिल के और ये बेटी बिटिया के बरात के सेवा सत्कार करके एक हाथ पियर करके एक ससुराल भेजवा देने के मरवा में बियाह बैठल बाया बाबू। लेकिन भाई का विदेशिया के निर्भाव मास्टर अरे सवेरे को अरे भाई मुर्दी दाई करी आज हवन पने आय हाय बाबू पापी अंग्रेज वही जेल में इतनी तड़पा तड़पा के मरलन हो बाबू कि तड़प तड़प के दिलबाग सिंह वही जेल में अपन दम तोड़ दे लग फटही चद्दर में लसिया लपेट के ले जाके अगर वहां में बिया बैठल हो और दुअरिया में लसिया पहुंचा के अंग्रेजबा चल गई लंदन। हाय हाय लोग करत बा पहले डोली उठी कि अर्थी उठी लोगों के खलबली देख के बिमला आई बिया भिड़िया के चीरा तो देखत का है कि हमार भैया फटही चद्दर ओढ़ के सुतल हुआ डाटक पिया गौवा उड़न के देखत हुआ लोगन हमार भाई वही धुरिया में जमीनिया में सुतल हो भैया ए भैया हम दुल्ही बने वाली ही कन्यादान अब ना करबा कले रहला ना कि अपने हाथ से कन्यादान कर पकड़ के कलैया खींचे लगल हो बाबू। 5 मिनट बीत गया जब बॉडी से नहीं आवाज आई तो चादर के खींच देती है पूरे शरीर के चाम हंसताई बा आई हो भैया कह के वही लसिया से गिर के बो रहिया टूट पड़ल लगल छाती पीट पीट के रोवे एक कहा कैला हो भैया ही तो आरदासा ऐसा के कैलर पॉकेट में हाथ डालती है तो एक चिट्ठी मिला और जब वो चिट्ठी मिलल तो चिट्ठिया के खोल के पढ़े लगल मरे से पहले भैया अपने खून से वो चिट्ठिया में लिखले रहल कि बिमला मुझे माफ कर देना रे बाबा जाना थे हमें अंग्रेजन के हवाले के कैलस जैसे तोर शादी तय कैले रही ना वो पापी रुपया के लोभ में पड़ के रे बहिन बिमला हमें अंग्रेजन के हवाले कर देस रे बहिन फैसला तोरे हाथ में बा आंख के आंसू पोछ लेती है कहती है भाग हो भरत लक्ष्मण जैसा भाग हो भरत लक्ष्मण जैसा जो चढ़ा दिया ताक राजधानी को रामपति हो भगत उद्धव जैसा जो लुटा दिया जिंदगानी को कहती है कप्तान पति के सग में मैं अरे कप्तान पति के सग में मैं हरगिज नहीं प्यारा चाहूंगी कलंकित दुनिया में गद्दारन कहलाऊंगी। उसका पति पड़वा के बीचों बीच खड़ा हो गया बोला रे पागल लड़की मर गया तेरा भाई मर जाने दे मेरे पास अंग्रेजों का दिया हुआ इतना शौकत इतना पैसा है कि तू खाते रह जाएगी पैसा कब नहीं पड़ेगा तब तक हो बाबू जवन चुनरी ससुराल का शोभा रहे पाल लेती है सर पे कफन जीवन कुमारी बिता लूंगी लेकिन मेरे जिंदगी में ऐसे गद्दार ऐसे पति का कोई जरूरत नहीं है।
ताल के चुनरी अब मरलस तार तार तीन बोली यही मड़वा में गिरल हो भागरा मचल हो भुखाई सेरनी के तरह तहारत विमला चलर है तो भेगा भाग है मास्टर अंग्रेज मिली कहां दस जवान कहते हैं कि रे बिमला आज ने तू अकेले नहीं की तोरे संगे तोर दस ठे भाई बड़ा पता लगावे लगल भुखाई सेवनी के तरह अंग्रेजन के पीछे पड़ल है पता लगल कि आज ही रहा बाद में ना पड़ने पर अंग्रेज अपने जन्मदिन के धूमधाम से तैयारी करत हो बिमला पहनिया पहुंचल है जाके अंग्रेज के बंगले में घेर लेती है तो भाई का ग्रह में चोलरिया लेगी मास्टर ठंडी असर दिखा देगा साँस। हमारे पार्टी में कई आदमी के पेट पकड़ देगा। चलो यहाँ से आगे ना डरते। क्रांच ब्रांच।
अच्छा बनारस में? हाँ तो डायरेक्टर थोड़ो ना करण राज। अच्छा अवनीश यादव जी बड़े भैया की ओर से 200 का पुरस्कार, बहुत बहुत प्रणाम सब भैया लोगों के प्रणाम। गौर करेंगे बापू जी तेरे अंग्रेज बोले पापिन के लेके बिमला चलल है और ले जाकर क्रांतिकारी नौजवानों के खेमा में बांध देती है। कहती है रे अंग्रेज जेके तो मर ले हुआ पर भाई ना हमर बाबू हमर माई हमर जिंदगी सब कुछ ये धरती पर जब जब पाप पड़ा ना वो पाप के अंत जरूर भइल हा। तो भइल का आला के प्रभाव हो मास्टर चलाती है। गोरे गोरे चेहरे में काला कंठा पुतवा के बाजार के हर चौराहे पर एक लाश टंगवा देती है, लाश को ऊपर लिखवाती है अंग्रेजी शासन मुर्दाबाद, भारत के क्रांति जिंदाबाद। गौर करेंगे बाबू जी जी के का करब अपने आप के गोली सीने में बार के सदा के लिए भारत माँ के आंचल में सो जाती है। तो ये रहा हिंदुस्तान की एक बेटी की कहानी। आखिरी वन विभाग है कैसे
खेलन दो बंद करब बंद करो मिनट बोबे उठब बंद करो छू देता है अब बैठ।